नमस्कार दोस्तों, श्रेयालय में आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल रेसिपी चाय के साथ खाने के लिए, जिसका नाम है मसाला काजू कर्ट्स। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो शुरू करते हैं काजू की रेसिपी। हमने लिया है मैदा 250 ग्राम और चिल्ड वाटर, इसको भिगोने के लिए, मैदा को गूंदने के लिए बिल्कुल ठंडा पानी है फ्रिज का। और 2 छोटे चम्मच बेसन लिया है, अजवाइन है जो आधा चम्मच प्रयोग करेंगे हम, नमक 1 चम्मच का प्रयोग करेंगे और कुकिंग ऑयल, यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल जो भी कुकिंग के लिए प्रयोग करते हैं ले सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमें चाट मसाले की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने 1 चम्मच चाट मसाला भी लिया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आटे को गूंदना। तो शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले हम मैदा में इस बेसन को मिक्स कर लेंगे और साथ ही 1 चम्मच नमक का मिक्स कर लेंगे और अजवाइन, ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, हाजमा अच्छा करती है। अजवाइन इसमें 1/2 चम्मच हम हाथ की सहायता से क्रश करके, हथेली में क्रश करके इसको ये भी इस मैदा के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मोन डालने के लिए हमने तेज़ गर्म करके उसको ठंडा कर लिया है, सरसों का तेल लिया है, इसको हम 4 चम्मच तेल इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा कम भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं थोड़ा क्रिस्पी बनाना चाह रही हूँ तो मैंने 4 चम्मच तेल डाल दिया है। अब बिना पानी डाले पहले हम इस सारे मिश्रण को आपस में अच्छे से मिला लेते हैं। 2 मिनट तक हम इस मिश्रण को आपस में अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो ये ध्यान से देख लेंगे कि मैदा के अंदर कोई भी गांठे ना रह जाएं, उनको हम अपनी उंगली की सहायता से बिल्कुल प्लेन कर लेंगे, क्योंकि जब हमने तेल मिक्स किया है, ऑयल की कई बार गांठ बन जाती है मैदे के साथ, तो हम इसे अच्छे से प्लेन करेंगे। और पानी डालने के लिए, गूंदने के लिए ये हमारा तैयार हुआ है मैदा या नहीं, इसके लिए हम चेकिंग करेंगे, थोड़ा सा लेकर उसका इस तरह से लड्डू बनाने का प्रयास करेंगे। अगर लड्डू बन रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से रेडी है पानी डाल के गूंदने के लिए। और अगर नहीं बन पा रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 चम्मच ऑयल और मिक्स करेंगे। लेकिन मेरा जो ये मैदा है ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, ये देखिए, क्योंकि इसके इस तरह से इकट्ठे होके छोटे से लड्डू बन पा रहे हैं। तो ये हमारा रेडी है। अब इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल के टाइट सा, बिल्कुल टाइट सा इसको गूंद लेंगे। तो इसके लिए मैंने फ्रिज का बिल्कुल चिल्ड वाटर लिया है, इसको हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और पूरे पानी इसमें मिक्स करते हुए उंगली की सहायता से टाइट सा इसका तैयार करेंगे एक डो। आप देख सकते हैं मैदा हमारा गूंद गया है, लेकिन इसमें हम अच्छे से लोच लगाएंगे, जिससे कि हमारे काजू बहुत ही अच्छे से तल के आएँ और बीच में क्रैक्स ना दिखाई दें। तो इसके लिए हम इसको 1-2 मिनट तक अपने हाथों की सहायता से लोच लगाएंगे, बिल्कुल इसको प्लेन बनाएंगे। और लास्ट में बिल्कुल जब आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमारा बर्तन जो देखिए कहीं से भी गंदा ना नज़र आए, तो उस स्टेप पर हम इसमें थोड़ा सा तेल ऑयल लगाकर फिर से एक बार इसको पूरे बर्तन में, पूरी परात में फैलाकर और अच्छे से दोबारा 2-3 बार लोच लगाएंगे। अब ये देखिए पूरी तरह से गूंद के तैयार हो गया है मैदा, इसको हम ढक देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं 1/2 घंटे के लिए। तो मिलते हैं 1/2 घंटे के बाद। आधा घंटा हो चुका है दोस्तों, देख लेते हैं हमारा ये मैदे का डो सेट हो गया है। तो अब हम इससे एक बड़ी सी लोई बनाते हैं और तब तक अपने ऑयल को कढ़ाई में गर्म कर लेते हैं। बिल्कुल तेज आंच पर हम इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे, जिससे कि हम अपने काजू तल सकें इसमें। तो शुरू करते हैं प्रोसेस को। ये जो हमने मैदे को सेट किया है, इसको एक बार चकले पर लेके इसकी बड़ी बड़ी 3-4 लोई जितनी पॉसिबल हैं
उतनी लोई हम बना लेते हैं। आप देख सकते हैं लोई का नॉर्मल जो साइज होता है रोटी के लिए, उससे बड़ा साइज मैंने लिया है। तो हमने चार बराबर भागों में इसको डिवाइड कर लिया। अब हम इसकी अच्छे से एक लोई सेट करते हैं हथेली की सहायता से। इस लोई को हम बेलन की सहायता से बेल लेते हैं। ध्यान रहे कि जो लोई है इसको हमने बहुत ही पतला नहीं बेलना है, रोटी की तरह बेलेंगे लेकिन थोड़ी सी मोटी रोटी रखेंगे इसकी, क्योंकि जो काजू हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही पतले काजू नहीं अच्छे लगते हैं। वो आप देखते हैं मार्केट में भी जो मिलते हैं वो थोड़े से मोटे काजू होते हैं, क्योंकि इस पर हमें मसाला भी चढ़ाना है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। देखिए चपाती की थिकनेस जो है वो आप देख सकते हैं कितनी है, इस तरह से आप अंदाजे से चपाती की थिकनेस रखेंगे। और अब सबसे ज़रूरी स्टेप जो है इसका, काजू की शेप किस तरह से दी जाए, इसके लिए हम किसी भी दवाई का ढक्कन जो घर में अवेलेबल हो, छोटे बच्चों की दवाई अक्सर घरों में होती हैं, उनका ढक्कन जो शार्प हो, जिसके किनारे बिल्कुल शार्प हों, ऐसा ढक्कन लेंगे और उसको अच्छे से वॉश करके उससे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, और उंगली की सहायता से इसको निकाल देंगे। इस तरह से थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस प्रोसेस को। आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट चपाती से सारे काजू कट्स कर लिए हैं, और अब हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल देखिए गर्म हो चुका है, और इसको चेक करने के लिए हम पहले सिर्फ एक इसमें डालकर देखते हैं काजू को। ये देखिए ऑयल अच्छे से हो चुका है गर्म, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ये ऊपर आ गया है। अगर ये ऊपर ना आता, नीचे बैठ जाता, तो इसका मतलब अभी गर्म होना बाकी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें बाकी के काजू भी डाल सकते हैं, और आंच को बिल्कुल मंदा ही रखेंगे इस प्रोसेस में। आप बिल्कुल आराम से डालें इसे, जिससे कि घी उछले ना, घी या तेल जिसमें भी आप इसको फ्राई कर रहे हैं, इसको बिल्कुल आराम से डालना है, ज़्यादा ऊंचाई से नहीं। पलट देते हैं अब इनको, और जब तक कि ये मंदी मंदी आंच पे 5 मिनट तक फ्राई होंगे, तब तक हम दूसरी लोई से चपाती बना के और बाकी के काजू भी कट्स कर लेते हैं। दोस्तों इसको हम बीच बीच में हिलाते भी रहेंगे, जिससे कि एक साइड से ही ना, दोनों साइडों से सिकें ही अच्छे से। तो इनको हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे, और अपना लोई को फैलाने का, चपाती बनाने का प्रोसेस भी साथ साथ चलता रहेगा, जिससे हमारा समय बचेगा। देखिए दोस्तों ये गोल्डन ब्राउन सिक चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, किसी टिश्यू पेपर पे या फिर किसी भी प्लेन पेपर पर आप इसे इस झर की सहायता से बाहर निकाल देंगे, और एक्स्ट्रा ऑयल सारा पेपर पे या टिश्यू पर आ जाएगा। बहुत ही डार्क नहीं भूनना है हमें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद डार्क कलर के हो जाएंगे, तो हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन लाइट ही भूनना है।
अब देखिए दोस्तों, इस स्टेप पर हम इसमें चाट मसाला भी ऊपर से स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि ये और भी अच्छे फ्लेवर के हो जाएं। ये मैंने चाट मसाला डाल दिया है और बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है, मज़ेदार खुशबू। रहा नहीं जा रहा कि इसको ठंडा होने के वेट करूं, तुरंत खाने का मन है। दोस्तों ये बिल्कुल तैयार है, इसको हम मसाले को पूरी तरह से आपस में मिक्स कर देते हैं, सभी काजुओं पर ये मसाला चढ़ जाएगा। दोस्तों इनको हम हफ्ते 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। काजू कर्ट्स आप किसी कांच के एयर टाइट कंटेनर में रखकर 8-10 दिन तक बड़े आराम से खा सकती हैं और खिला सकती हैं। गर्मा गर्म के चाय के साथ ये नमक पारे काजू कर्ट्स बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब स्टेप है इनको सर्व करने का, तो इनको सर्व करते हैं। दोस्तों अब चेक कर लेते हैं कि हमारे काजू कितने क्रिस्पी हैं। देखिए ये आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, काजू बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं, एकदम टेस्टी मज़ेदार। दोस्तों काजू कट्स बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए, इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सबको कैसे लगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमें लिखिए, जिससे कि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, वेरी वेरी थैंक यू। I don't wanna let you